हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मार्केटिंग क्लास। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर, और ये जो स्किल्स है इसको पार्ट बनाया गया है मार्केटिंग के सिलेबस का। इसके अंदर हमने दो स्किल्स समझ ली थी आपकी, जो कि कम्युनिकेशन स्किल और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स थी। होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने बाकी की बची हुई तीन स्किल्स डिस्कस करनी है, जिसमें स्किल नंबर थर्ड आ रही है बेसिक आईसीटी स्किल। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज स्पीड एज है, कम से कम समय में हमें बहुत सारा काम करना होता है, और हम लोग अपने कॉस्ट को बचाना चाहते हैं, इसीलिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं हम बिजनेस में, मार्केटिंग में, रिपोर्टिंग में, हर जगह। इसीलिए इसको एक स्किल के रूप में स्टडी कर रहे हैं हम। अब बेसिकली ये समझ लीजिए, आज आप जो अपना सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के बाकी सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर ही डिस्कशन है। क्या क्या है इसमें कंटेंट, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इंट्रो टू द बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग। आज हमने कोई मैसेज भेजना है, जैसे हमने कम्युनिकेशन में सीखा कि मैसेज जाना है, किस तरीके से जाना है, तो वो है वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जिसके अंदर हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, उसको सेव करते हैं, उसको एडिट करते हैं, ये सब प्रोसेस इसमें आने वाली है। क्या क्या है इसके अंदर? सबसे पहले सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। आप अपने सेलफोन को खोलेंगे तो उसके अंदर अलग अलग तरह के ऐप्स होंगे। कोई आप किसी काम के लिए, आज लर्निंग ऐप्स आ गए हैं बहुत सारे, जैसे हम अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं जूम ऐप के जरिए। ओके, आपके पास कोई भी टिकट बुकिंग करनी है, बुक माई शो है। आपके पास फॉरेक्स बुकिंग के लिए बुक माई फॉरेक्स है। आपके पास तरह तरह के ऐप्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, राइट? तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको कि कौन सा ऐप किस काम आता है। ओके, जो भी बेसिक ऐप्स हैं वही आपके सामने आएंगे। अब जो सॉफ्टवेयर है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि एमएस एक्सेल क्या है, एमएस वर्ड क्या है, पावर पॉइंट क्या है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कि वो किस काम आते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, एडिटिंग एंड सेविंग इट। आप लोग कभी भी कोई नोट्स बना रहे हो, कोई भी लेटर लिखना हो, कोई भी ईमेल लिखना है, उसको क्रिएट कैसे करना है, किस तरह से एमएस वर्ड को खोलना है, उसके अंदर ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट निकालना है, उसके अंदर टाइप करना है, उसके अंदर आपका जो अल्फाबेट्स है, आपके जो फॉन्ट्स हैं उसको सेलेक्ट करना है, उसमें कलरिंग करनी है, उसको हाईलाइट करना है, ये सारे उसके अंदर हैं। कैसे क्रिएट करना है एक डॉक्यूमेंट को, ओके, ताकि वो अट्रैक्टिव भी लगे, ताकि उसको ईजिली कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडेबल बना सके। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बन गया है, बना बनाया है, तो एडिट कैसे करना है, किस तरह से हमने उसे अपने यूज़ के लायक बनाना है, तो एडिटिंग समझेंगे। किस तरह से हम एक, मान लीजिए मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, मैंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो ये जो कन्वर्शन है मुझे आना चाहिए। कोई पीडीएफ ज़्यादा वॉल्यूम का है, मैंने उसको कंसाइज करना है, छोटा करना है, तो ये मुझे आना चाहिए। इसके अलावा इसको सेव करने का, अब सेविंग में भी अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरह स्कैन करके सेव करते हैं, टाइप करने के बाद सेव करते हैं, सेविंग के बाद ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, आप किस फाइल में सेव कर रहे हैं, ये सब कुछ थोड़ा बहुत उसका आइडिया, बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिएटिंग टेबल्स। अब ये जो एमएस एक्सेल है, उसकी हमारे बिजनेस में, हमारी मार्केटिंग में, हमारे सेल्स में, हमारे प्रमोशन में बहुत वैल्यू है। किस तरह से हम एमएस एक्सेल को यूज़ करेंगे, स्प्रेडशीट बनाएंगे, टेबुलेशन बनाएंगे। आप एमएस वर्ड में भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो इंडेक्स नंबर है, जो परफेक्शन है, वो एमएस एक्सेल में आती है। किस तरह से हम रोज और कॉलम्स को यूज़ करते हुए टेबल को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, फिर एमएस एक्सेल में तो फॉर्मूलाज हो जाते हैं। किस तरह से हम थोड़े ही समय में सबको ऐड कर सकते हैं, सबको हम सीरियल वाइज अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सब कुछ हमारा टेबल्स के अंदर किस तरह से उसको क्रिएट करना है, फिर प्रिंटिंग कैसे करनी है किसी भी डॉक्यूमेंट की। प्रिंटिंग के अंदर हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं प्रिंट एरिया को, फिर किस तरह से हम प्रिंटर को सेलेक्ट करते हैं, फिर साइज ऑफ पेपर सेलेक्ट करते हैं, है ना, उसकी जो ओरिएंटेशन है कि वो पोर्ट्रेट में जाएगा या वो सिंपल पेपर में जाएगा, किस तरह से जाएगा, ये सब हम प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, हमें आइडिया होना चाहिए, और ये प्रैक्टिकली हम लाइफ में करते भी हैं। ओके, देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आज कोई भी प्रेजेंटेशन होती है, आप स्कूल्स में बनाते हैं, पीपीटी बनती है, और पीपीटी बनती कैसे है, पावर पॉइंट की तरह।
एक आपका सॉफ्टवेयर है, आपका एक ऐप है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड्स बनाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसको हम पेश करते हैं। दिस इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसके स्टेप्स पता होने चाहिए, कैसे कोई स्लाइड सेव करनी है, कैसे उसके अंदर कुछ इंसर्ट करना है, कैसे उसको हमें ब्यूटीफाई करना है, ये सब कुछ इसके अंदर। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमें आने चाहिए बेसिक ICT स्किल्स में। आपसे पूछा जाता है कि MS वर्ड का यूज़ क्या है, MS एक्सेल का यूज़ क्या है, पावर पॉइंट का यूज़ क्या है, किस तरह से हम एक डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, किस तरह से हम एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे। तो ये बेसिक स्किल्स आपको आने चाहिए, दिस इज बेसिक ICT स्किल्स। नंबर फोर स्किल आती है हमारी एंटरप्रेन्योर स्किल। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताइए आपको, मींस टेकिंग रिस्क, ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस एंड अर्निंग प्रॉफिट। ओके, तो एंटरप्रेन्योर स्किल क्या है इसको समझना है, क्योंकि एक आदमी के अंदर जब तक वो एंटरप्रेन्योर का माइंड नहीं होगा तब तक वो किसी भी एंटरप्राइज को चला नहीं सकेगा। मान लीजिए मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, मेरी कंपनी ने मुझे एक टारगेट दिया है 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी है। अब मेरे को वो टारगेट मिला है तो उसके लिए मुझे अब अपने एंटरप्राइज को सेटअप करना है। आई हैव टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, बाय हुम इज टू बी डन। मींस ये सारी की सारी जो क्रिएशन है दे आर ऑल इंक्लूडेड इन एंटरप्रेन्योर स्किल्स। इसको समझना जरूरी है क्योंकि लाइफ में बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है अगर उसमें वो स्किल्स होंगी। तो आते हैं सबसे पहले क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर एक आम आदमी है, लेकिन उसके अंदर कुछ क्वालिटी अगर आ जाती हैं तो वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी एंटरप्राइज चला सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो सबसे पहले बिजनेस थिंकिंग, कैलकुलेटिंग माइंड, अच्छा लिसनर होना कि किसी की बात को सुने पहले, अच्छा स्पीकर होना अपनी बात कह सके। ओके, कैलकुलेटिंग माइंड होना चाहिए, प्लानिंग माइंड होना चाहिए, वो विजुलाइज कर सके। ये जनरल सी चीज़ें हैं। अगर हम एज ए पर्सन अपने आप को परफेक्शन चाहते हैं तो भी हमारे अंदर ये बातें होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो केयरलेस होगा, स्लोपी होगा, पैसिव होगा, वो तो फेल हो जाएगा। वेरी सॉरी। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ मैनेज्ड है, ढंग से अपने आप को मैनेज करके चल रहा है, उसके अंदर एबिलिटी है, बिजनेस की थिंकिंग है कि किस तरह से कौन सी अपॉर्चुनिटी को, कौन से चांस को मुझे ग्रैब करना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, किस तरह से अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, किस तरह से उससे प्रॉफिट कमाना है, ये सब क्वालिटीज हैं ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। आगे बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। देखिए, हमारा बिजनेस एक सोशल सर्विस है, हम सोसाइटी के बिना बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बिजनेस ये बिलोंग करता है सोसाइटी को। सोसाइटी यानी कि कंज्यूमर्स की सोसाइटी, कंज्यूमर्स को हम किंग मांगते हैं, गॉड मानते हैं मार्केटिंग में। और कंज्यूमर से बनी हुई सोसाइटी, अगर हम उसको डील नहीं कर रहे, उसके साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, अगर हम उसको ढंग से केटर नहीं कर रहे उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी नीड्स को, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ हम समझेंगे कि क्या क्या हमारे जो वो है ड्यूटीज़ हैं एज एन एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के लिए। हमें सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केटिंग तो करनी है, लेकिन मार्केटिंग के अंदर प्रमोशनल टेक्निक ऐसी ना हो जाए जो सोसाइटी के ऊपर भारी पड़ने शुरू है, सोसाइटी उसका विरोध करना शुरू कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमें समझना है कि कोई भी काम हमारा, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, चाहे मार्केटिंग से जुड़ा हो, वो सोसाइटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के पक्ष में होना चाहिए। टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कई कंपनीज प्रमोट करती हैं सोशल इवेंट्स को, राइट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को, वो भी सोसाइटी के लिए एक सर्विस होती है। तो आप अपनी मार्केटिंग को अगर सोशल सर्विस बना लेंगे, सोसाइटी से जोड़ लेंगे, तो बहुत आगे निकल जाएंगे। तो यहां हम समझेंगे एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी के रिलेशनशिप को। करियर ऑप्शंस, हम जो मार्केटिंग करने जा रहे हैं उससे जो हमारे एंटरप्रेन्योर स्किल आने वाली हमारे अंदर, उससे हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक मार्केटिंग वाला पर्सन जो है ना, वो किसी भी बिजनेस का बेस है, किसी भी बिजनेस का ड्राइवर है। क्योंकि देखिए, आप लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग ढंग से नहीं हो रही, राइट, कैलकुलेटिंग माइंड से नहीं हो रही, टारगेट ओरिएंटेड नहीं हो रही, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मार्केट होगी तभी तो प्रोडक्ट सेल होगा, सेल होगा तभी तो प्रॉफिट आएगा, तभी तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तभी तो बिजनेस डेवलप होगा। तो यहां समझना होगा कि करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं मार्केटिंग के अंदर भी और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी। क्या क्या है? आप अपना काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, आप मार्केटिंग में
बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप अपने नए प्रोडक्ट को साइड बाय साइड शुरू कर सकते हैं, आप उसे पार्ट टाइम रूप के रूप में ले सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे करियर ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। आप एडवर्टाइजिंग लाइन में निकल गए, आपने प्रमोशन का काम सीख लिया, आपने बिजनेस के अंदर पैकेजिंग आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से, आपको लेबलिंग, आपको ब्रांडिंग का आइडिया बन गया, आपको लाइसेंसिंग का आइडिया बन गया। इस तरह से बिजनेस की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी मार्केटिंग के जरिए कैरियर ऑप्शन आपको दे सकती हैं। लास्ट आता हमारा रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एज एन एंटरप्रेन्योर आपका क्या रोल है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, सिर्फ सर्विस करने वाले लोग, सिर्फ किसी के लिए काम करने वाले लोग सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ा सकते, किसी नेशन को, किसी इकोनॉमी को परफेक्टली डेवलपमेंट नहीं दे सकते। यहाँ वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, यानी कि एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, जो खुद भी काम करेंगे और दूसरों को भी काम देंगे, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे और इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। इस रोल को, इस इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे, आपके नोट्स में इसको और डिटेल समझा देंगे। लास्ट स्किल आती है हमारी स्किल नंबर 5, ग्रीन स्किल्स। नाम से क्लियर है, जहां पे हम ग्रीन बात करते हैं मतलब एनवायरनमेंट की बात आ गई। आज एनवायरनमेंट से हम अलग नहीं है, आज लगातार हम एनवायरनमेंट की सेफ्टी के बारे में, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। और बिजनेस, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप बिना इसके कुछ भी नहीं है बच्चों। ओके, तो यहां क्या समझेंगे हम, इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। आज अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें और एनवायरनमेंट को सेव ना करें तो कल फिर कुछ रहेगा नहीं। आज की जनरेशन को तो सब मिल जाएगा, लेकिन आने वाले जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, नेचुरल ट्रेजेडीज, कैटास्ट्रोफीज और तमाम खतरे मिलेंगे, तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आज की जनरेशन के भी सब कुछ रहे और आने वाली जनरेशन को भी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर, विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। ओके, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिना एनवायरनमेंट के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ हजार्ड्स हैं, तो वो कैसे काम करेंगे आप? तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि जैसे जनरेशन बढ़ती जा, आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप ग्रीनरी खत्म करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, राइट, रेकलेसली आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, उसको डिस्कस करेंगे। देन सॉल्यूशन, कि हम क्या क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या करे, पब्लिक क्या करे, तो यहां मैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए मार्केटिंग पर्सन क्या करूंगा, ये मुझे डिस्कस करना है। किस तरह से मेरे प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली होंगे, किस तरह से मेरी पैकेजिंग इको फ्रेंडली होगी, किस तरह से मेरी एडवर्टाइजिंग, मेरी प्रोमोशनल प्रमोशन टेक्निक सारी इको फ्रेंडली होंगी, मतलब मैं एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए भी काम करूंगा, साथ साथ में इस बात को लेना है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजीज एंड स्टेप्स टू सेव एनवायरनमेंट। वही बात है, अब हमें जो है कुछ स्टेप्स पहले से ही तय करने पड़ेंगे एज ए पॉलिसी मेजर। अपनी कंपनी में, अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमारे कुछ स्टेप्स होंगे, वो हम लेके चलेंगे कि हमने पेपर को कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि पेपर मतलब ट्रीज, उनको सेव करना है। हमें अपनी जो व्हीकल्स जितनी भी होंगी मार्केटिंग में, उनको CNG पे ड्राइव करना है। हमने बिजली बचानी है, हमने पानी बचाना है, मतलब हमने जो अपनी स्ट्रेटजीज हैं, स्टेप्स हैं, उनको एज ए पॉलिसी मेजर जोड़ लेना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। लास्ट, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। जब मैं इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो फिर चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट है, चाहे सोशल डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं सोसाइटी से अलग नहीं हूँ, मार्केटिंग सोसाइटी के लोगों के लिए है, तो फिर जितना भी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा वो सारा इको फ्रेंडली होगा, यानी कि एनवायरनमेंट की सेफ्टी भी उसका एक कंसर्न होगा। तो इस तरह से अपने इस क्लास में हमने बाकी बची हुई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को लिया है, जिसके अंदर बेसिक IT स्किल थी, जिसके अंदर हमने IT के ऑपरेशंस को समझा। इसके बाद एंटरप्रेन्योर स्किल्स थी, कि एंटरप्रेन्योर के रूप में क्वालिटीज़ क्या हैं आपकी और आप क्या क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, आपका रोल, आपकी इंपॉर्टेंस और कैरियर ऑप्शन की बात की हमने, और लास्ट में ग्रीन स्किल्स की बात की, जिसके अंदर हमने एनवायरनमेंट सेफ्टी की बात की, एनवायरनमेंट के इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात की। ओके, तो इस तरह से ये जो 10 मार्क्स वाला है आपका चैप्टर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये कंप्लीट होता है। इसको ध्यान से समझ लेंगे, इसके नोट्स को समझ लेंगे, इसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।